अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी पर गंभीर आरोप लगाया है। ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर भारतीय नेताओं से पैसे लेने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि हिलेरी ने अपने पारिवारिक फाउंडेशन के लिए भारतीय नेताओं और संस्थाओं से पैसे लिए हैं ताकि भविष्य में अमेरिकी भारत परमाणु डील को आगे बढ़ाया जा सके। हिलेरी ने ट्रंप के इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। हिलेरी पर आरोप लगाते हुए ट्रंप ने एक 35 पेज की बुकलेट पब्लिश कराई, जिसमें कहा गया है 2008 के आसपास इंडियन पॉलिटिशियन अमर सिंह ने क्लिंटन फाउंडेशन को करीब 7 से 34 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वो सितंबर 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील पर लॉबिंग करने के लिए अमेरिका आए थे। उस दौरान सीनेटर हिलेरी ने उन्हें भरोसा दिया था कि डेमोक्रेट्स परमाणु समझौते की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि हिलेरी की विदेश नीति ने कई अमेरिकियों की जिंदगी और लाखों डॉलरों का नुकसान कराया है। इस बुकलेट में कहा गया है कि साल 2008 में भारतीय उद्योग महासंघ ने क्लिंटन फाउंडेशन को 5 से 10 लाख डॉलर का डोनेशन दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने इस डॉक्यूमेंट में आरोप लगाया है कि भारतीय मूल के अमेरिकी राज फर्नांडो को स्टेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में क्लिंटन के चीफ ऑफ स्टाफ शेरिल मिल्स की ओर से अपॉइंट किया गया है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि फर्नांडो ने भी 10 से 50 लाख डॉलर का डोनेशन क्लिंटन फाउंडेशन को दिया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।